हेलो बच्चों, आप सभी को बासु एनसीईआरटी में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ। तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में सबसे पहले रियल नंबर को समझते हैं कि रियल नंबर, इसमें रियल नंबर को बताया जाएगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, इसको हम डिफाइन करेंगे और चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर को बहुत आसानी तरीका से कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर का। तो रियल नंबर में ये हो गया आपका रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया, पहला एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो इसका दो भाग में बांटा गया है, फर्स्ट ये आपका आ गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और ये आपका सेकंड आ गया इरेशनल नंबर, ये आपका आ गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये आपका दो भाग में बांटा गया। आप समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर क्या है, वैसा नंबर या वैसा संख्या, इसको पहले सबसे पहले हिंदी इसको लिख देते हैं परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/2 या 4/6, ये सब जितना सब रेशनल नंबर है, जितना भी सब रेशनल नंबर, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें जो क्यू होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखेंगे, क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। वही जब ये फॉलो करेगा तभी वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। और इसमें एक और क्या है कि ना वो नंबर, ये नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, वो नंबर टर्मिनेट करे या रेकर करे या रिपीट करे, टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, रिपीटेशन हो या रिपीट हो, टर्मिनेट हो और रिपीट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि जैसे 1/2 का हम क्या, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया, मतलब कि 0.5 में ये कट गया, मतलब 0.5 इसका आंसर आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू इसका गया। या हम लिखते 1/3 जो हो गया तो वो 0.333 अप टू इन्फाइट, या इसको लिख सकते हैं 0.3 का वार, ये हो गया रिपीटेशन, और ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट कर गया, ये रिपीट कर गया। तो जब ये फॉलो कर गया तो वो समझिए कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। जब ये कंडीशन फॉलो होगा तभी वो रेशनल नंबर आएगा, या टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन पी वाई क्यू में फ्रैक्शन लिया उसका आंसर आ गया 1.234236 32, ऐसे आ गया, ये रेशनल नंबर कभी नहीं कर सकते। जब कब कहेंगे, जब वो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो और वो नंबर रिपीट हो या टर्मिनेट हो, तभी उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे।
चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया। एक फर्स्ट ये हो गया इंटीजर और एक हो गया फ्रैक्शन। तो पहले लिखते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और सेकंड हो गया इंटीजर, इंटीजर्स। फ्रैक्शन में क्या हो गया, फ्रैक्शन में कोई भी संख्या, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो, कोई भी नंबर, वो फ्रैक्शन गया। जैसे फ्रैक्शन, टू भी एक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका वन नीचे छुपा हुआ। इसका फ्रैक्शन में और लिख लेते हैं, थ्री बाई फोर हो गया, वन बाई नाइन हो गया। ये आपका टोटल एग्जाम्पल है ये फ्रैक्शन का। अब इसमें आते इंटीजर, इंटीजर को दो भागों बांटा गया। ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, इसको मिटा रहे हूं। चलिए अब इसका इंटीजर, इंटीजर को समझिएगा, इंटीजर को दो भागों, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। एक प्लस साइन में आएगा, एक नेगेटिव साइन मतलब माइनस साइन में आएगा। तो एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां हम लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर। और एक सेकंड हो गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर का वैल्यू आता है माइनस इंफिनिटी से अप टू कहां तक, माइनस टू माइनस वन। ये आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया। आइए पॉजिटिव इंटीजर जीरो, यहां पर लिख देता हूं, जीरो से अप टू इंफिनिटी, ये आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर को ही एक और नाम से जाना, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सबसे छोटा, जो सबसे मिनिमम होल नंबर स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये होल नंबर स्टार्टिंग पॉइंट ही जीरो से अप टू इन्फाइट, जीरो से इन्फाइट तक होल नंबर आ गया। यही होल नंबर को इसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है, होल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक पहला इसमें आ जाता है, एक पहला आ जाता है, एक सेकंड, जीरो, जीरो, एक आ जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एक हो जाता है जीरो, एक हो गया नेचुरल। जीरो तो आप समझ रहे हैं, जीरो ही होता है, और नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग सबसे छोटा, नेचुरल नंबर वन होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वन से स्टार्ट होता है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर जब भी होगा तो वन से स्टार्ट होगा, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा। तो नेचुरल नंबर वन टू अप टू इन्फाइनाइट, ये आपका नेचुरल नंबर, यही आपका ये चार्ट है। सबसे पहले रियल नंबर में रेशनल नंबर आता है, उसके बाद इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर के बाद इसमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया फ्रैक्शन में, और उसके बाद इंटीजर्स में, इंटीजर्स को दो भागों में बांटा गया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया गया, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक, और नेगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब ये पॉजिटिव इंटीजर को होल नंबर
बोलते हैं, होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो ही है। अब है होल नंबर को दो भाग में, एक जीरो एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सब को पता है कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है और जीरो तो जीरो ही है। तो ये आपका रियल नंबर का चार्ट ग्राफ जिसको बोलते हैं टोटल चार्ट बन गया। अब इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि याद रखने के लिए सबसे कंसेप्चुअल चीज है, सबसे कंसेप्चुअल चीज याद आसानी से हो जाए, तो हम चाहते हैं बच्चों को आसानी से याद हो जाए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं कि इसमें कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल को भी सॉल्व करना है। चलिए तो ठीक है बच्चों, एक आपको हम ग्राफ ग्राफ के मदद से एनसीईआरटी का तीन एग्जांपल है जो आई थिंक सॉल्व होगा वही डिस्कशन करेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो वो है, सबसे पहले हम वो चार्ट कुछ देखेंगे कि चार्ट है क्या। तो सबसे पहला यहां है ये, ये वन ये हो गया टू ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर। इसको और बड़ा कर दीजिए यहां से यहां तक, ये आपका हो गया ये। इसको पहले लिख लीजिए रियल नंबर, रियल नंबर। अब इसमें आ गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसमें आ गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इसमें आ गया इंटीजर्स, इंटीजर्स। एक और इसमें बनेगा बॉक्स, एक और बॉक्स। चलिए ये आपका हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये आपका ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ को समझना है कि ये ग्राफ बनाने का मकसद क्या है। तो रियल नंबर है तो ऑल नेचुरल नंबर टोटल प्राकृतिक संख्या होल नंबर के अंदर आता है। ऑल नेचुरल नंबर जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आएगा, क्योंकि होल नंबर का स्टार्टिंग हम बताए थे कि जो होल नंबर है वो जीरो से लेकर वन टू अप टू इनफिनाइट। और नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर वन टू अप टू इनफिनाइट। ये इसका ये वन टू इन्फिनाइट जीरो तो मतलब कि टोटल नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएगा, लेकिन टोटल होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर कभी नहीं आएगा। इसे कि टोटल ये होल नंबर है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आया, लेकिन कुछ तो इसके अंदर बाहर जो जीरो है ये नेचुरल नंबर इसके बाहर है ना, तो ये जीरो जो है तो ये होल नंबर जीरो हो गया, तो वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आया। तो इसका मतलब हुआ कि होल नंबर नेचुरल नंबर का जितना भी नंबर है वो होल नंबर के अंदर आएगा, लेकिन कभी भी टोटल होल नंबर का टोटल संख्या नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह से इंटीजर, इंटीजर को हम टोटल इंटीजर का जो नंबर, इंटीजर का नंबर पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है,
ये आपका टोटल इंटीजर। होल नंबर कहाँ है? होल नंबर जीरो से, ये जीरो से होल नंबर, ये आपका होल नंबर है। ये टोटल तो इंटीजर है ना, टोटल इंटीजर में जीरो से वन से पॉजिटिव इन्फिनिटी था, ये होल नंबर हो गया। तो होल नंबर का जितना नंबर है वो इंटीजर के अंदर आएगा, लेकिन इंटीजर का ऑल नंबर होल नंबर के अंदर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जो इंटीजर नेगेटिव होता है और होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है? रेशनल नंबर। ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर क्या इंटीजर के अंदर आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन ऑल इंटीजर, लेकिन ऑल इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर आएगा। जैसे मैं देखिए, रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर जो हुआ, ये 3/5 भी तो एक रेशनल नंबर है। ये फ्रैक्शन p by q के फॉर्म में आ गया, q is not equal to 0, तो ये p by q के फॉर्म में आया, q not equal to 0, तो ये भी तो एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये रेशनल नंबर लेकिन इंटीजर तो नहीं है। इंटीजर क्या है? इंटीजर नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन तक, नेगेटिव इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो जब भी रेशनल नंबर आएगा, मतलब ऑल इंटीजर नंबर रेशनल नंबर के अंदर आएगा, लेकिन कभी भी ऑल रेशनल नंबर इंटीजर के अंदर नहीं आएगा। इसीलिए ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी होगा, वो आप देख लीजिएगा। इसी बेसिस पे था, तीन क्वेश्चन था, वो सॉल्व एक तरह से हम करवा दिए हैं। टोटल ऐसे हम टोटल डिस्कशन करा दिए हैं कि किसी भी पॉइंट, ऐसे बोला कि ऑल रेशनल नंबर क्या होल नंबर के अंदर आएगा, या ऑल रेशनल नंबर होल नंबर के अंदर कभी नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर का स्टार्टिंग जीरो से होता है, रेशनल नंबर का स्टार्टिंग फ्रैक्शन भी हो सकता है, पी बाई क्यू का फॉर्म भी हो सकता है, तो कभी भी उसके अंदर नहीं है। लेकिन ऑल होल नंबर रेशनल नंबर का ऑफकोर्स आएगा, क्योंकि ऑल होल नंबर, जिस होल नंबर जीरो से हो गया वन टू इन्फिनाइट तक, रेशनल नंबर के अंदर आएगा, क्योंकि इसलिए रेशनल नंबर के अंदर आएगा, रेशनल नंबर के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको 0/1 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि 0/1 नॉट डिफाइन होता, बट 0/1 तो 0 होता है ना। ये p/q के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया 0/1, p/q का q इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ ना, तो ये भी तो एक रेशनल नंबर है। तो मतलब ऑल होल नंबर का जितना भी संख्या वो रेशनल नंबर के अंदर आएगा, लेकिन टोटल रेशनल नंबर वाला संख्या होल नंबर में नहीं आएगा। इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसको भी 2/1 लिख सकते हैं, सबको 1 लिख सकते हैं, टोटल कोई लिख सकते हैं, मतलब कि यह इसका कंसेप्ट था। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नेक्स्ट हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट आपका चलेगा हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई सा भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही आसानी, रटना नहीं है, बस समझना है, मेरे साथ चलो, हर क्वेश्चन आसान होते जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम कैसे किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें? तो इसके लिए तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से आपको हम समझते हैं। 5/3 को रिप्रेजेंट करना है, बस उसी तरह से नहीं, 5/3 क्या, हम 5/2 कर देते हैं। चलिए 5/2 कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे? बस एक नंबर लाइन ले लेना है,
माइनस इन्फिनिटी कर देना है, ये प्लस इन्फिनिटी कर देना है, ये सेंटर पे आपको जीरो डाल देना है, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा, वहाँ थ्री हो जाएगा, यहाँ माइनस वन हो जाएगा, यहाँ माइनस टू हो जाएगा, यहाँ माइनस थ्री हो जाएगा। ये तीन पॉइंट हो गया। अब क्या करना है इसमें, अब बस वही काम करना जो उसमें किए थे, इसको तोड़ देना है पूर्णांक में। तो कैसे करना है, टू इज टू वन बाई टू, इसी को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 बाई टू, इतना लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम लिखे हैं। चलिए अब इसको, ये कितना है भाई, 2 है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू 2, हम क्या 1 2, इस पॉइंट पर आया। चलिए इस पॉइंट पर आया तो अब इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 2 आया, तो इस बीच में दो भाग में हम डिवाइड कर देंगे। इसका 2 आया तो इसका दोनों भाग में, दो भाग में डिवाइड कर देंगे, जितना पार्ट है उतना पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। अब इसको डिवाइड करने पे अब हमको क्या बता रहा है भाई, ये हमको बता रहा है ये पहला भाग बता रहा है सॉरी 1/2 है ना, एक सेकंड। चलिए जैसे 1/2 है तो इसका एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, टू पार्ट हो गया ना, इसको टू पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। अब ये टू से ये टू पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इसका कौन सा पार्ट आ गया, इसका सेकंड पार्ट ये ना आ गया, ये टू पार्ट है तो सेकंड पार्ट ये आ गया, इसका पहला, तो ये पहला इसका ये है, तो ये जो इस सेंटर पे जो आएगा यही ना 5/2 का पोजीशन बताएगा, यही रेशनल नंबर ना 5/2 का पोजीशन बताएगा। जितना पार्ट हो उतना पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ थ्री होता तो हम यहाँ तीन भाग में डिवाइड करते, जैसे एक भाग दो भाग तीन भाग में डिवाइड हो गया ना, तीन था उसका पहला भाग हम ई ले लेते हैं, पहला भाग ये ले लेते हैं। अगर उसी तरह हमें और क्वेश्चन को देखें तो इसी का देखते हैं, इसका मल्टीपल ले लेते हैं, जैसे 5/2 इसी का मल्टीपल लेते हैं 10/4 या 15/6 इसका ये नंबर ऑफ रिप्रेजेंट, तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, चलिए अगर 15/6 तो ये 15/6 है, ये 10/4 है, तो इसका कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर 2 आ जाता है, इसका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 3 आ जाता है, इसका 2 कॉमन फैक्टर, इसका 3 कॉमन फैक्टर, बट इसका कॉमन फैक्टर नहीं आता है, नो। जिस दो नंबर का या कोई भी दो इंटीजर का कॉमन फैक्टर एक भी ना हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जिस नंबर का एक भी कॉमन फैक्टर ना हो उसी को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। इसी नंबर का मल्टीपल किए तो वो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसका 3 टाइम्स किए तो कॉमन फैक्टर 3 आ गया, बट उसी नंबर का ये कॉमन फैक्टर देखा जाए तो उसका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब जिसका कॉमन फैक्टर एक भी ना हो उसी को सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए
आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, कैसे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में या किसी दो इंटीजर के बीच में, रेशनल नंबर नहीं, दो इंटीजर के बीच में, दो इंटीजर के बीच में 5, 10, 15 रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे दो इंटीजर है पी और क्यू है, ये दो इंटीजर, इसके बीच में हमको 10 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा ज़्यादा अगर इस वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में अगर वीडियो पसंद आए तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए ठीक, जय हिंद बच्चों।